नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बहराइच हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा में शिफ्ट किए जा रहे लोग, लाठी डंडे लिए भीड़, घरों दुकानों में कर रही आगजनी। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को मिलेगा न्याय, बहराइच बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जनता को विश्वास में लेकर हिंसा रोके, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, बहराइच बवाल पर प्रियंका गांधी। हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों का एनकाउंटर कीजिए, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में एंट्री के सभी टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए होगा टोल माफ। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिषेक बोयिनपल्ली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को दिल्ली डायवर्ट किया गया। फिर भड़की हिंसा, कार दुकानों में आगजनी, सीएम योगी के आदेश पर एसटीएफ चीफ पहुंचे बहराइच। दिल्ली में दिनदहाड़े वारदात, पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारी गोली, नोटों से भरा बैग लूटने आए थे बदमाश। एक्स वाइफ और बेटी की शिकायत पर गिरफ्तार हुए बाला एक्टर पर लगा शारीरिक उत्पीड़न का आरोप।